उसमें आते हैं जरा ढाका पे जो एक बड़ी आ, बात बड़ी लेकिन उस पर भी बात करने की ज़रूरत है ठीक है आपने कहा मेरा ख्याल बाजवा साहब का वो पिछले छः महीने से जो उनके अंदर वो क्या कहते हैं भांबड़ बल रहे, थे? बाल रहे उबाल। थे उबाल था या वटैवर था कि वो सारी बातें सुन रहे थे इमरान खान साहब की तकरीरें भी सुन रहे थे न्यूट्रल भी मीर जा फिर मीर सादक इस तरह खुल भी कहा अभी बहुत सारे अलकाबा दिए गए तो आज उन्होंने इसको वो अगेन अपने थी मौका समझा के जाते हुए वो अपने जो उनके पुराने कुछ वो जो बस कोर्स हैं तो वो सेटल करते जाएं और वो जो इमरान खान साहब पे बात हो सकती है वो उसको करते जाएं पता नहीं कल को उनको मौका मिले ना मिले कोई फोरम उनके पास होगा नहीं होगा मुझे याद आ रहे हैं उनका आसफ़ली जरदारी साहब ने एक दफ़ा कहा था जनरल रहील साहब के दौर में कि आप लोग तो तीन साल के लिए आते हैं तो हम यहीं पर हमने इधर ही रहना होता है सियासतदानों के हवाले से तो सियासतदानों की वो जो उनकी उनकी सियासी उम्र होती है ना वो मोस्टली सिविल सर्वेंट से या सिविल मिलिट्री ब्यूरोसी से ज़्यादा होते है इन तो वो रिटायर हो जाना होता है तो सियासतदान और सहाफ़ी तो कभी रिटायर नहीं होते जब तक गलामिया रिटायर करें इनको उस वक्त वो काम करते रहते हैं लगे रहते हैं अपने कामों में वो अब उनके लिए मुश्किल हो हो। अगेन जो चीज होगी बाजवा साहब के लिए अगेन जब आपको याद होगा डी जी आई ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यहां पर उस वक्त मेरा भी ये ख्याल था कि वो नहीं करनी चाहिए थी कि वो चीज़ अब आप मतलब इमरान खान साहब पे जो थोड़ा सा झाका था कि चले जी कि आपने ये फ़ौजी क्यादत का डायरेक्ट नाम नहीं लेना किसी आपने ऑफ़ीसर का नाम नहीं लेना वो झाका उन्होंने उतार दिया था उस दिन जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वही था और वही हुआ कि इमरान खान साहब ने बड़ी खुशी के साथ उनको पोलिटिकल पार्टी समझ के उन पर अगले दिन उन्होंने अटैक भी किए नाम भी लेने शुरू कर दिए पहले वो आपको याद हो डल्टी हैरी कहते थे ए बी सी एक्स वी सी कहते थे फिर उन्होंने सीधे सीधे नाम लेने शुरू कर दिए जो कि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से सारा कुछ हुआ था अभी भी मेरा ख्याल इमरान खान साहब विल भी हैप्पी हुँ। खुश होंगे कि आज बाजवा साहब ने उनका नाम लिया बगैर ये सारी बातें या तो गए फॉरन उसके बाद तो उन्होंने आना भी था उस पर तो अभी अब वो जो इन बाजवा साहब जो हैं अगर ही इज आउट गोइंग अब इनको कौन डिफेंड करेगा कल को अगर अगर ऐसा चीफ आता है जो अब बाजवा साहब की उसमें उस, उस लेगेसी को लेकर आगे नहीं चलना चाहता तो फिर कल इनको इनको कौन इनको डिफेंड करेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारी मतलब रोल है जो उनका पॉलिटिकल रोल जिसका खुद भी बात कर रहे थे उस पर बात होगी क्वेश्चन होंगे अभी जो उनके फैमिली से रिलेटेड एसेट्स हैं उन पर यकी तौर पर बात होगी और मुझे याद आ रहा है कि जब दो में जनरल क्यानी साहब वॉज फेसिंग द सेम सिचुएशन वो अपने आर्मी चीफ लगवाना चाह रहे थे और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको आर्मी चीफ नहीं, नहीं लगा रहे थे तो तो उन्हें भी यही ख़तरा था कि मेरे जाने के बाद ऐसा चीफ होना चाहिए जो मेरी लेगेसी को प्रोटेक्ट करे वो जना राशि महमूद को चाहते थे लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब ने इनको लगाया था जना रहील साहब को लगाया था रहील साहब को पता था कि मुझे ये चीफ नहीं लगाना चाह लगवाना चाहते लिहाजा पहले दिन से उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया था जनरल उनकी उनके क्या साहब की लेगेसी से भी और उनके एक्शन से भी वट जो भी थे और यही वजह थी आपको याद होगा कि नैब ने जब जना क्यानी साहब के दो भाई थे ब्रिगेडियर से उनका वहाँ पे उसमें मलिक रियाज साहब के साथ मिलके शोधा के वो जो वहाँ पे उनके प्लाट्स से घर थे वहाँ पर बहुत बड़ा स्कैंडल आया था वहाँ पे तो उन्होंने उस मामले में बिल्कुल फ़ौज ने अपने आप को डिस्टेंस किया था बल्कि नायब को कहा था जी आप जाने और आपका काम जाने हमारे से कोई तलोक नहीं है और वो बड़ी पेशे वगैरह भी भुगते थे बड़ी उस उसना साहब के लिए बड़े सारे मसायल भी हुए थे और उन्हें कोई उनको डिफेंड नहीं किया नहीं गया, नहीं गया था बल्कि मुझे याद है कोई दो चार कोई कामन दोस्तों ने कोशिश की थी यह करने की कि आर्मी को डिफेंड करना चाहिए तो आर्मी ने कहा हमारा इससे तलोक नहीं है भाई शुड वी गेट इन टू दीज थिंग्स उनके भाई हैं तो वो करें अब उसी तरह की सिचुएशन ये हो रही है मौजूदा कि जनरल साहब ने छह साल गुजारे जब आप छे साल गुजारते हैं तो बहुत सारे दोस्त भी बना लेते हैं बहुत सारे दुश्मन भी बना लेते हैं ये बड़ी फितरी सी बात है इसलिए अगर जो बंदा तीन साल बाद चला मसला उसमें उसमें जना रहील साहब जो हैं वो तीन साल बाद वो चले गए थे अब उनका नाम डिस्कशन में नहीं आता ये जनरल वहीद काकड़ साहब थे वो भी तीन साल बाद चले गए उनका नाम भी डिस्कशन में नहीं आया डिस्कशन में कौन आते हैं जिनको छः छः साल मिले हैं सात सात आठ आठ साल मिले मसला जनायूब साहब ने दस साल ले लिए जनरल ज़िया ने दस साल ले लिए फिर मुशरफ ने तकरीबन आठ नौ साल ले लिए फिर उसके जना क्यानीानी साहब ने छः साल ले लिए जनरल बाजवा साहब ने छः साल ले लिए सो उनका जो इीरा होते उस पर गुफ्तु ज़्यादा होती है क्योंकि बहुत सारी डिवेलपमेंट्स हो रही होती है अच्छे बुरे दोनों चीज़ें हो रही होती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ रही होती है और जैसे मैंने कहा बहुत से लोगों को गज भी होता है कि जनाब कि आप तीन साल के लिए आए थे आपने छः साल ले लिए सो so, आपके खिलाफ एक सरकारतों के साथ भी आपके आपके मतलब इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं आपके अंदर खेश आना शुरू हो जाते हैं कि हमने तीन की बजाय 6 साल रहने सो यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल जो मतलब है आपको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कर देती हैं सो so, अब ये इनके लिए सबसे बड़ी वरी होगी कि आज उन्होंने उन्होंने या तो आप खुलकर बात करते हैं या ना करते मेरा ये ख्याल है अगर आपने बात करनी थी फिर नाम लेते एक पॉलिटिकल पार्टी फलां फिर आप आपको पता है सियासत में आए हुए हैं अब ये कहना है कि हम सियासत में नहीं थे या हम नाम किसी का नहीं ले रहे सा, सारी चीज़ें नहीं कर रहे सियासत में तो थे आप अच्छा बड़े इंटरेस्टिंगली क्लास इंटरेस्टिंग उन्होंने जैसे फरवरी का जिक्र किया कि फरवरी के बाद हमने ये फैसला किया कि हमने ए पोलिटिकल हो जाना है तो इसका मतलब है कि फरवरी से पहले होने वाली जो तमाम तरफरा तफरी है मुल्क में या जो इस किस्म की सियासी मामला में मुदाखलत है उसको वो ओन कर रहे हैं एक तरह से बिल्कुल ये तो एक एडमिशन है उनका जनवरी में आके हमने वो किया है हमने ये फैसला किया है कि हम आप पोलिटिकल रहेंगे अच्छा मज़े की बात है वो कहते हैं ना कि एक, एक मुहावरा है कि नौजवान खतून तो ये बेव की मतलब है उसको बेव बेवापन को वो तो वो काट लेगी लेकिन महल्ले के जो गुंडे हैं ना वो नहीं काटने देते ये बड़ा एक उर्दू का बड़ा एक मुहावरा है सेम गोज़ फॉर अवर पोलिटिशन एज वेल ये भी इतने मसहूम नहीं है कि अगर कोई आर्मी चीफ आता है और वो अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहते ये नहीं रखने देंगे आते जाते छेड़खानी जारी रखेंगे रीज़न आपका क्या ख्याल है इस व आसफ जरदारी इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब में कैपेसिटी है कि तीनों बैठ के किसी एक नाम पे ये एग्री कर लेते ताकि जनाब कि हमें ये, ये फौज की तरफ से आकर ना देखना पड़े अब तीन इन तीनों के पता लड़ाई क्या है इमरान साहब इमरान खान साहब की क्या लड़ाई है जनरल या सॉरी उनकी उनकी नवाज शरीफ साहब की उनकी क्या लड़ाई थी अभी इनकी क्या लड़ाई है लड़ाई ये है कि आर्मी चीफ हमारे साथ खड़ा हो इमरान खान साहब आज भी कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया वो मुझे क्यों नहीं हुकूमत गिराने से बचवाया उसने उसको बचाना चाहिए था उस वक्त आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब इन कंपनी कहते थे कि कह हमें गिराने वाले जी इन्होंने हमें बहने हमें क्यों निकाला, निकाला। वो सारी चीजें होती जरदारी साहब ये बयान देते थे कि आपने तीन साल बाद चले जाने हम इधर फिर देख लेंगे आपको So, सवाल यह है कि इन लोगों के हाथ में कमजोरी आ गई है जो हमारे मिल्ट्री स्टैब्लिशमेंट को समझने की जरूरत है वो कमजोरी क्या है इन्हें यह है कि जो जितना इनको दीवार के साथ लगाया गया ना फौज को और इसकी क्यादत को ये हमें आके अपीजमेंट करेंगे हमें आके सॉफ्ट करने की कोशिश करेंगे हमसे सुलह करेंगे हमारा मुंह बंद करवाने के लिए हमें कोई ना कोई चीज देंगे ये सारी चीजें होती इमरान खान साहब ने सबसे ज्यादा अटैक्स किए हुए हैं इस पर स्टैब्लिशमेंट जितने इमरान खान साहब ने किया आज तक मतलब तरीक में किसने किए किया होगा फौज उनको भी ले नवाज शरीफ साहब को आपको याद है कारगिल कमीशन बला बला जनरलों को हम सजाएं देंगे ऐसे ऐसे करिए बहर निकाला तो इमरान खान साहब को लेकर चुप करवाए जनाब उनको चुप करवाते कर पता चला वहां पर आके मरियम नवाज साहब नवाज शरीफ साहब फिर शुरू हो गए तकरीबन शुरू हो गए जब उनको ये हुए थे आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन के बाद सजाएं वगैरह हुई थी अब खान साहब को उन्होंने निकाला इनको लेकर आएगा इनको चुप करवाएं जरा मसले की इंटरेस्टिंग तो चीज है अब खान साहब शुरू हो गए कि भाई साहब आपने ये किया सो फौज अब हमारी यही काम करती रहेगी कि, कि जनाब के आज 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 इसको चुप करवाए परसों उसको चुप करवाएं तीसरे उसको चुप कराएं सो मेन उनके पास क्या ऑप्शन है क्या अपसाइड पे हो जाए भाई साहब ये हमारा काम ही नहीं है ये उनके बगैर ये कोई मतलब खुशी से कोई नहीं होता ये जहन में रखें कोई अपनी पावर क्लाउड जो है ना वो कोई अपना विद्रा या उसको सरेंडर नहीं करना चाहता होता कि प्राइम मिनिस्टर पे हम जाएं और हम अपनी मर्जी की चीज़ें करवाएं अपनी मर्जी के अपॉइंटमेंट्स करवाएं मर्जी के फैसले करवाएं मर्जी के बजट लें या बला बला चीज़ें करें ये आपको आपको अब आप ये फील हुआ है जो बात उस इन डी जी आई ने की है बड़ी उन्होंने अहम बात की थी जनरल उन नदीम अंजुम साहब ने पे इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा जनाब कि आप ये फैसला कोई इंडिविजुअल का नहीं है हमारी उस क्यादत का है जो पंद्रह से बीस साल मजीद इस मुल्क को चलाएगी वो इस नतीजे पर पहुंचेगा हमने सियासत में नहीं आना क्योंकि उन्हें यह पता चल गया है कि हम जब एक पार्टी को, को लेकर आते हैं इन द नेशनल इंटरेस्ट हमें लगता है कि ये ठीक होगा उन्हें लगता था नहीं जनाब उस जनरल जिया साहब को लगा था नहीं थी नवाज शरीफ साहब ठीक होंगे और वो बेनसी भुट्टो और भुटो लेक्सी के लिए उन्होंने आकर नवाज शरीफ साहब को पाला पोसा और खड़ा किया वो उनके गले फिट हो गया आपके सामने जो कुछ हुआ एक और क्या आदत है, है हमारे चार पांच डी जी आई एस आई थे जिनके नाम लिए जा सकते हैं हमीद गुल साहब हूँ उसके बाद अगर ये हो गए जनरल शुजात पाशाह साहब थे जहर इस्लाम साहब थे या जनरल फ़ैज़ साहब थे इन सब को लगा नहीं नहीं जनाब एक और प्रोटेक्शन हम लाते इमरान खान साहब ठीक रहेगा इस मुल्क के लिए वो उनको लेकर आ गए अब उन्हें पता चला कि हम उनको नवाज़ शरीफ साहब भी हमारे ऊपर आके उन्होंने हमें वो आके आके हमारे पे सवाल उठाने शुरू कर दिए हमें आके उन्होंने आते जाते चपेड़े मारने शुरू कर दिए इमरान खान साहब तो एक लेवल आगे गए हैं आप उन्हें फील हो रहा है कि हमें नई प्रोडक्शन नहीं पैदा करें हमने जो मैन्युफैक्चरिंग अगर हम करते हैं ना अब हम नहीं करेंगे बस काफ़ी हो गया हमने दो जो बड़े दो बड़े मॉडल पेश किए थे ना उसमें एटीज़ के ईरा में नवाज शरीफ साहब को हमने प्रोड्यूस किया और अभी ईरा में पिछला जो हमारा गुजरा है दो आन वर्ल्ड के बाद हमने इमरान साहब को किया दोनों हमारी प्रोडक्शन जो है ना वो डब्बा फिल्में निकले नवाज शरीफ साहब भी निकले और ये भी निकले उनके हिसाब से कि जो वो इनसे रिजल्ट चाहते थे डब्बा फिल्में ये निकले तो हमें मजीद हमने फिल्म इस तरह के सियासी हमने फिल्में प्रोड्यूस नहीं करनी ये अपना काम जाने हम अपना काम करें ये वायित फैसला है अब सवाल ये है क्या पाकिस्तानी सियासतदान इनको आप पोलिटिकल रहने देंगे दैट्स अ मेन क्वेश्चन बेच आई डाउट नहीं रहने देंगे उनको वो नहीं होगा क्योंकि आज भी, ए, उसमें जो भी फैसला करेंगे एक चीफ लगाएंगे दूसरा लगाएंगे तीसरा कहेगा जैसे इमरान खान साहब ने कहा है इस लफ से मतलब दैट्स ए वेरी ऑफेंसिव लफ्ज जो उन्होंने यूज किया है उनके हामी तो खुश होंगे होना भी चाहिए क्योंकि मुल्क तमाशा बन चुका है खे, खेल उन्होंने मैंने आर एफ अलवी साहब के साथ मिलकर खेलना है अभी जरा अंदाजा करें एक आर्मी चीफ लगना है मुल्क का इस वक्त मतलब बर्बादी तबाही को जरा छोड़ दें दुनिया में हम तमाशा बन चुके हैं और और मुल्क का सबक वजी जो फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर है वो ये कह रहा है मैंने आर एफ अलवी साहब के साथ मिलकर इस चीजों पर अभी खेलना है खेलो करें क्या खेल खेलेंगे मतलब देखिए जो एक कॉमन सेंस से बात समझ में आ रही है कि सदर पाकिस्तान जो है वो समरी को रोक रोक सकते हैं और रोकेंगे तो उससे शायफा खाकान अबाज साहब अब जिस तरह से बात कर रहे हैं कि जी आर्टिकल सिक्स लग जाएगा या जो तमाम हुकूमती रहनुमाएं है वो इस तरह के इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगर इस तरह की चीज़ हुई तो हम इसके लिए मैंटली रेडी हैं या हम इसको काउंटर करेंगे तो क्या किस तरफ मुल्क के हालात जाएंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर ये मामला अदालत में जाता है तो ये मज़द कितना ज़्यादा इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए डैमेज होगा उसके इमेज के लिए भी और ये एक सीक्रेट अदारा है एक इंपॉर्टेंट इदारा है मुल्क का और सुवरानिटी मुल्क की इससे जुड़ी हुई है किस तरह का इमेज क्रिएट होगा क्या नुकसान होंगे अब जो खेलने वाली बात ना वो बड़ी बात है इमरान खान साहब ने मेरा ख्याल एक तरह की वेग थ्रेट भेजी है उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी भेजी है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये जो नाम अब आ रहे हैं ना आर्मी चीफ और इसके चेयरमैन जयर स्टाफ ये कंसेंसस से आ रहे हैं साफ ज़र समरी आई है तो कंसेंसस हुआ है कि हु विल बी द चीफ एंड हु विल बी द चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ सो उन्हें पता है कि इस वक्त एटलीस्ट ये उसी पे हैं इनका आपस में कोई बात तय होगी सो so, उन्होंने दोनों को थ्रेट भेजी है इस्टेब्लिशमेंट को भी भेजी है और उन्होंने प्राइम मिस्टर को भी भेजिए अलाइस को भी कि जनाब ना खेडेंगे ना खेडन दे आगे मतलब यह है कि अगर आपने इनको जो मोस्ट सीनियर हैं जिनसे मसला है ये जन आसिफ मुनीर साहब को अगर आपने किया तो फिर हम इस पर खेलेंगे अब इस पर खेलेंगे क्या वो ये होगा वही वाली बात जो आप कह रहे हैं कि वो इस बात को इस पे ना एक एक ऑब्जेक्शन लिख के मेरे एक अंडरस्टैंडिंग है कि उसी समरी पे वो ऑब्जेक्शन लिख के भेज देंगे इनको इनको प्राइम मिनिस्टर को वापस कर देंगे समरी ये कह के, के जनाब के ये तो उनतीस को वो हो रहा है ये सीट खाली हो रही है आर्मी चीफ की और इसको सताईस को ये रिटायर हो रहे हैं जनरल आसमिर हैं सो हमें आप दोबारा समरी भेजें जो कि उसकी सीनाल्टी बेस्ड होनी चाहिए उनतीस के हिसाब से उनतीस वाले दिन कौन सीनियर होंगे दैट्स अ डेलीकेट पॉइंट जो मेरा ख्याल इनके जहन में है इमरान खान रखते हैं उन्होंने ये उनको मश्वा दिया है कि भाई साहब आप यह काम भी कर सकते हैं खेलना है तो आप यह कहें कि उनतीस की डेट से जिस दिन आर्मी चीफ ने रिटायर होना है या उसने ऑफिस छोड़ना है उस दिन कौन सीनियर जैना शहर ये शमशाद साहब आते हैं तो उसमें से ऑटोमेटिकली तौर पर मुनीर जो हैं जिन पर इमरान खान साहब को गुस्सा है गुस्सा किस चीज़ का है कि उन्होंने जाके बताया था सर जी आपके सपोज के हवाले से ख़बरें आ रही हैं लैंड हो रहे हैं ज़रा आपके लिए नुकसानदे होगा हालांकि मेरे जैसा बंदा होता थैंक यू करता कि मेहरबानी सर आपने मुझे बता दिया मैं अपने घर वालों को समझाता हूँ जरा कि मेहरबानी करें मेरे बड़े दुश्मन है मैं मैं बड़े एजेंडे पे हूँ मुल्क चलाना है लोगों को मैंने किस्मतें बदलनी आप अपनी किस्मतें बाद में बदल लीजिएगा ये काम नहीं होना मुझे कोई आके बताता ना एडवाइस करता मेरा कोई इस तरह का कोई इंटेलिजेंस का सपोज ली मैं तो उसका शुक्रिया अदा कर तो घर वालों से जाकर लड़ाई फड्डा डालता है कि कोई को खुदा का खौफ करें कोई चीजें देख देखें कितनी बड़ी जंग में हम खड़े हैं जंग मीनस एक पोलिटिकल बैटल लड़ रहे हैं आपको उस वक्त हीरे जवाहरात आत अंगूठियाँ केरट पांच केरट सात केरट इनके चक्कर में पड़ गए मैं तो जरूर जाके करता ये मैं अभी मैं आपको टी पे कह रहा हूँ और ये नहीं कह रहा जो मुझे जानते हैं मेरे घर वाले उन्हें भी पता है कि वाट आई एम सेंग आई मीन इट आपको इसी चीज से नाराजगी होगी कि एक चीफ ने आगे मुझे यह क्यों कह दिया भाई आपके भले के लिए किया ना दूसरा जो चीफ आपको कह सकता है डी जी आई एस तो कल को वो आपका क्या ख्याल है शहबाज शरीफ साहब को नहीं कहेगा या इसको इसको बिलावल को या जरदारी को नवाज शरीफ को नहीं कहेगा अगर उसने अगर कंप्रोमाइज्ड होना था तो आपके साथ हो जाता आपका डीजी बैठा हुआ था आपको बताता भी ना बल्कि मेरी तला तो यह मना भी किया गया था कि सर आपको क्या जरूरत पड़ी है उन्होंने एज, एज मुझे बताना चाहिए अपने अपने प्राइम मिनिस्टर को ही इज इन डेंजर इसी तरह की चीजें कल कोई ब्लैकमेल होती हैं वही कुछ हुआ भी सही खैर कमिंग टू द पॉइंट सो ये चीज करेंगे इस पे उसके लिए अब अब ये वापस आती है तो मुमकिन है कि ये फिर खुद नोटिफाई कर दें जो आप आज बात बादशाह खकानाबासी साहब कह रहे थे वो भी लड़ाई पर तुले बैठे हैं अब सारी की सारी पी के जो उसमें डिबेट्स हो रही थी वो तो लड़ाई पर तुले बैठे हैं वो कहते हैं ठीक है जनाब अगर अगर आपने आके इमरान खान साहब स्टेबलिशमेंट अपनी मर्जी के अपने चीफ लगाने हैं प्राइम मिनिस्टर के या पीडीएम का नहीं लगना तो हम उनके कहने पे क्यों लगाएं तो फिर बड़ा फटा है फिर बड़ी लड़ाई है फिर वही सुप्रीम कोर्ट वाली बात जो आप कह रही हैं फिर वहां पे जाएगा फिर सुप्रीम कोर्ट का कितने दिन हेयरिंग चलती है हफ्ता महीना पंद्रह दिन चलती है चलते नहीं हो जाएगा पूरा पूरी ये अपॉइंटमेंट ही ये तो खेलना है ना तो और क्या खेलना है जो मैं बात कह रहा हूँ मुझे जो सबसे बड़ा अफसोस है शायद मैं आइटलिस्ट हूँ थोड़ा जा जो मेरा दिमाग हमारे थोड़े से है कि हर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हो अपोजिशन हो इमरान खान हो नवाज शरीफ साहब अगर उस, उसके जरदारी साहब हूँ शबाज शरीफ सारे क्या चाहते हैं अपना बंदा होना चाहिए अपनी कारकर्दगी पर नहीं इन्होंने अपनी हुकूमत चलानी इन्होंने अपनी गवर्नेंस पे अपनी ईमानदारी पर अपने करैक्टर पर लोगों को विन करके इन्होंने कुछ नहीं करना इनको सारा कुछ पक्का पकाया चाहिए कहां से एक डी जी आई हमारा हो और साथ में आर्मी चीफ हो हम सबको संभाल लेंगे मीडिया भी संभाल लेंगे और संभालेंगे इन्हीं के, के जरिए कि आर्मी का काम है कल का को मीडिया भी संभाले ताजरों को भी संभाले वो जनाब उसके बाद आपके आपका अपोजिशन को भी संभाले नायब को भी संभाले अदालतों को भी संभाले तो हैं तो उनको भी जो कुछ बिल आने हैं वोटिंग होने ये फिर दोनों करें अगर ये दोनों मेरी मर्जी के आ गए हैं आर्मी चीफ भी और डीजीआईए से ही फिर मैं आराम से वो गलिया होने सुनिया तो फिर मिर्जा यार फिर हम फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ कर सुगार पिया करेंगे अगर किसी का मैं ट्वीट इवन मैं तो इसका विटनेस हूँ बहुत सारे साफ ही मेरे दोस्त के साथ बैठे होते उनको फोन आते होते थे एजेंसी से कि फ़लां जो ट्वीट किया है वो आपको आप वज़ी अजम हाउस को पसंद नहीं आए इसको डिलीट करें जो नहीं कहते थे उनको थ्रेट्स आते थे बिकास के उसको प्राइम मिनिस्टर के आर्डर्स होते थे सो आपको इस तरह के बंदे चाहिए इस तरह के लेवल चाहिए आपके लिए तो ये कंसर्न ही नहीं होनी चाहिए थी ये वो करने के लिए फवाद साहब कह रहे थे जी हमें कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कोई आर्मी चीफ आ जाए आज इमरान का 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 खान साहब कह रहे नहीं जी मेरी आर एफ आरफ साहब था एक अंडरस्टैंडिंग हम खेलेंगे इस पे लाभ जरा वो पे मैं कह रहा हूँ आप जरूर कहें जी कि हम बात करेंगे मशवरा करेंगे ठीक है मानते हैं बात आपकी समझ में आती है जब आप कहते हैं सैफर पर भी खेलेंगे खेलो जनाब बिल्कुल बड़ा जरूरी है आपका आर्मी चीफ लग हम इसमें भी खेलेंगे मुल्क को पूरा आपने क्रिकेट ग्राउंड बना दिया पिच बन गया है जिसपे दोनों साइड से बल्ले चल रहे हैं और अल्लाह अल्लाह सर आधी कौन उनके साथ है आधी उनके साथ है और उसके बाद वो जो तमाशे हम देख रहे हैं तो 26 नवंबर को कौन किसके साथ खेलेगा क्लासेस साहब क्योंकि देखिए अगर ये नाम सामने आ जाता है मोस्ट प्रॉब्ली आज या फिर कल तक ये सामने आ जाता है और एक इंटरेस्टिंग इसमें ये भी चीज़ है कि पांच नाम थे इस लिस्ट में एक छठा नाम भी है उसके पीछे भी एक साइंस है अब आप मुनासिब समझेंगे इसको बताना नहीं, कि नहीं मुनासिब समझेंगे कि क्यों उनका नाम डाला गया है और वो अगर चूज़ हो जाते हैं उट ऑफ कैन बी दिलिटी बट एनी मैक्म हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं खान साहब से कि एक जलसा हो गया अगर उनको तयनती पसंद नहीं आई तो उन्होंने उसके ऊपर बात कर दी बट देन वो कहाँ तक जाएंगे कहाँ तक टेम्पो को लेकर जाएंगे और फिर उससे निकलेगा क्या मेरा ख्याल है मै व्यू आई मे बी मतलब एक कॉमेंट है मेरा, कितना, कि खान साहब की अगर आ जाता है कल तक चीफ अनाउंस हो जाता है वो ये कहा जा रहा है जुमरात तक वो अगर कर देते हैं तो फिर खान साहब के पास शायद इस लेवल के बैटल तक वो ना जाएँ अच्छा। कि वो जो मैं हम ये बात कर, ये वो इसको एज एज ए उसको बार्गेनिंग चिप के तौर पर यूज़ कर रहे हैं एज ए थ्रेट के तौर पर वो यूज़ कर रहे होंगे कि हम खेलेंगे फिर हम बैठ कर खेलेंगे वही वाली मैसेज ये नर्व्स की गेम होती है ना वही वाली बात हु विल ब्लिंक फर्स्ट क्या बैठे हुए हैं तो एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बैठे हुए हैं तो कौन उससे पहले झपकेगा झिपने तो वाला काम है ये है सारी की सारी अगले जो बारह घंटे इसी में आपने सारी अपनी पावर गेम जो है ना यूज करनी आपको पता चलता है कि हमारा सबसे बड़ा वेपन जो है ना वो सदर पाकिस्तान बैठा हुआ है उसके जरिए हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं हम ये वजी को हलफ नहीं दिलवाया था वजीरों को नहीं दिलवाया था उसके जरिए हम अपॉइंटमेंट भी रोक सकते हैं लेकिन क्या आर्मी के लिए आर्मी ये चुप करके देखती रहेगी कि ठीक है जो हमारा चीफ जो है या वो भी उसी में पावर गेम का हिस्सा बन चुके हैं क्योंकि अगर अगर ये प्राइम मिनिस्टर या पी हमारी मर्जी का वो नहीं लगा रहे आर्मी चीफ नहीं लगा रहे तो फिर ठीक है तो फिर इमरान खान साहब के साथ मिलकर हम भी खेल लेते हैं, फिर ठीक है मतलब तो उनतीस को फिर क्या होगा भाज साहब घर नहीं जाएंगे क्या उनको फर्दर मटेरियल फर्दर आर्डर आप कहेंगे कि ये एडिशनल कि आप आप अभी यहीं रुकें जब तक तो फैसला नहीं होता अदालतों में नहीं होता या सदर पाकिस्तान नहीं करते या जैसे मतलब ब्यूरोसी में होता है कि आप उसको वो दे चार्ज दे देते हैं किसी को कि चले मोस्ट सीनियर जो है ना फिलहाल आप दो हफ्ते के लिए चार्ज ले लें जब तक तो ये फैसला नहीं हो तो आर्मी का जो कमांड स्ट्रक्चर है कि आर्मी इस बात को अप्रिशिएट करेगी या एक आर्मी ने पहले भी कहा हुआ था कि ऐसे मौकों पे आर्मी के जो टॉप कमांडर्स होते हैं वो खुद तशरीफ ले जाते होते हैं हमने उस वक्त देखा जब यहाँ पे इनकी इनकी गुलाम इस खान साहब की और नवाज शरीफ साहब की टाग गार हुई थी उस वक्त भी गए थे जनरल काकर जो थे अपने सीनियर जो उन कमांडर से डी जी होते हैं मोस्टली कोर कमांडर पिंडी होते हैं ट्रिपल वन ब्रिगेड के जो लीड कर कार होते तीन चार बड़े सीनियर कमांडर जाते होते हैं जाके उनको थोड़ा सा उनकी काउंसलिंग करते हैं कोई दलीलें दलाल दे के उनको राजी कर लेते हैं फिर इसी तरीके से हमने और भी मौके देखे हैं जब आते होते सो वो ये समझ रहे थे भी सदर के पास ए बकायदा कमांड एक टीम जाएगी उनके अपने अपने सुप्रीम कमांडर को रिक्वेस्ट करेगी सर जी जो रिकमेंडेशन है ये मेहरबानी करें आप हमारा इंस्टीट्यूशन इसको ना खराब करें इसको चलने दें इसी तरीके से मजाक ना बने सो ये हो सकते है सो एक ये भी है तीसरा इमरान खान साहब आपने छब्बीस का पूछा उनके पास एक ही फेस एक फेस सेविंग है अगर ऐलान हो जाता है चीफ का जो उनको अगर पसंद नहीं आता फिर वो कह सकते हैं कि जनाब के वेलकम भी कर सकते हैं फवाद चौबी साहब तो कह रहे हैं जी हमें कोई मसला नहीं है वो वेलकम भी कर सकते हैं कि ठीक है जी हम चलेंगे जो होना था हो गया लेट्स मूव फॉरवर्ड एक नया चीफ के साथ पहले दिन से क्यों हम, हम लड़ाई ले लें हो सकते हैं हमारे साथ अच्छा हो हो सकता है आप पॉलिटिकल हो जाए दूर हो जाए और आपस में जो आपने यहाँ पे महाभारत लड़नी है जहाँ पे कुट कुटाई करने करते रहें उनके पास फिर एक ही ऑप्शन होगा अगर उसको यूज़ करें कि यहाँ पे और रहा क्रिकेट मैच हो रहा है इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों का फिर वो ये कह सकते हैं हमें इतलात हैं कि जनाब के अगर हमने वहाँ पे धरने किए तो टीम के लिए मसला होगा क्रिकेट के लिए होगा मुल्क की बदनामी नहीं चाहते हम इस मौके पे नहीं चाहते कि इस तरह के मैसेजेस जाएं कि जब क्रिकेट का मैच हो रहा है इंग्लैंड की टीम है ये इतने बड़े आई अगेन पाकिस्तान इज अ वेरी कहते हैं क्रिकेट लविंग कंट्री तो हम कोई हम डिस्टर्बेंस नहीं चाहते मसला नहीं चाहते सो हम इसको डेफर कर रहे हैं <coughs> या डॉक्टरों ने मुझे इजाजत नहीं दी ये भी हो सकता अभी जो अभी हम देख रहे हैं कि खान साहब का भी उनके लेग वगैरह के वूड हैं शायद अभी हील नहीं हुए सो so वो हो सकते हैं डिपेंड है करो और, और इमरान खान साहब की अच्छी क्वालिटी है पहले मैं इसको वो समझता था हम इस पर मजाक उड़ाते थे तनकीद करते कर खान साहब एक ही यू टर्न ये उनकी स्ट्रेटी है और बड़ी बेहतरीन है ये खान साहब को ये दाद दें ये जहीन लोगों की क्वालिटी होती है वो दिन को रात और रात को दिन साबित कर सकते हैं वो अपने एक एक कहीं बात के हक में भी दलाल दे सकते हैं उसके वो मुकर दूसरी बात कह दें उसको दलाल भी दे दें दे और उनकी इतनी अपसल्यूट किस्म की उनकी फॉलोइंग है और वो है। बड़े लकी हैं ऐसे भटू साहब की होती थी किसी दौर में कि जो खान साहब ने कह दिया था ना बस वही फिर आखिरी और वही आखिरी चीज है ठीक है क्लास इक्लास आपके साथ डिस्कशन को हम आगे भी जारी रखेंगे ब्रेक के बाद ब्रेक का टाइम हो रहा है और खास तौर पे हम बात करेंगे सकूता ढाका के हवाले से क्योंकि एक बड़ी <coughs> बात की जनरल कमर जावेद बाजवा ने थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या था एक, इन एक्चुअल और इसके अलावा आपकी खबर थी कि नाम क्या होगा तो थोड़ा सा मैं आपसे पूछूंगी कि आप अपनी खबर पे कायम है आपको लगता है कि कुछ ये मतलब है आप आप मुझे के क्या करें कैमरे पे चेंज करना चाह रहे हैं अपनी खबर एक चांस दे रही मैं सर आपको सोच दोबारा <laughs> री एडजस्ट <-दुबारा>। करूं <laughs> ब्रेक के बाद डिस्कशन <laughs> को कंटिन्यू करते हैं हमारे साथ रहिए वेलकम बैक और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साहफ़ी कामरान यूसुफ साहब लेकिन कामरान यूसुफ साहब आपको पहले वेलकम करेंगे असलम लेकिन इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ मैं क्लासेस साहब से ज़रा एक इंपॉर्टेंट <laughs> बात पूछना चाह रही हूँ क्योंकि अभी मिनटों में सिचुएशन ज़रा चेंज हो रही है जब हम ब्रेक पे गए थे तो तब तक मैं चाह रही थी कि क्लासेस साहब को इतना मार्जिन मिले कि वो जो उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन दी थी कुछ दिन पहले बेस्ड ऑन सोर्स सोर्सेज के आ, कौन हो सकते हैं नेक्स्ट आर्मी चीफ वो शायद चेंज कर दें लेकिन वो दरमियान में ब्रेक के काफी ने मुझे खुद ही दिखा दी कि खाली मैं नहीं कह रहा है तो सारी दुनिया कहना शुरू हो गया इनफॉर्मेशन आपकी क्या थी एंड डू यू स्टिल थिंक वही नाम है बड़ा मुश्किल होता है बहुत सारे लोगों के पास नाम होते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हमारे पास होते हैं बहुत सारे अच्छे रिपोर्टर्स हैं दे हैव गुड सोर्सेज एज वेल लेकिन फिर बैठ कर टीवी पर आकर कैमरा पे कह देना और बड़ा एब्सोल्यूट उसके साथ फिर आप आए और कह दें हमने चौदह नवंबर को मैं डेट भी बता दूँ चौदह नवंबर के शो में मैंने ये बात की थी बेस्ड ऑन माई इन्फॉर्मेशन और उस उसमें बड़ा मुश्किल होता है रिस्की होता है कि अगर आपका दिया हुआ नाम ना आए है, तो फिर आपकी बैशिंग बड़ी होती है ट्रोलिंग बड़ी होती है बहुत सारे मुखालफी बैठे हुए ट्विटर पर हमारे ऐसी तैसे करके रख देंगे तो अभी आपने पूछा कि आप उसी नाम पर कैम है उस पे उस पर जनरल आसिम मुनीर साहब पे तो मुझे जफर इकबाल साहब का शेयर याद आ गया मुझे एक दो शेयरी जबानी याद है उनमें से एक वो भी है वो कहते हैं झूठ बोला है तो क़ैम भी हे रहो इस पर ज़फ़र झूठ बोल रहा है तो कैम भी हरो इस पर ज़फ़र आदमी को साहबत किरदार होना चाहिए सो आप इस वक्त चेंज करने का टाइम गुजर गया है कि घोड़े के आप अपना चेंज करना चाहूँ जी ऐसे जी हालांकि सिचुएशन बदलती रहती है हाँ। और जितनी भी इस वक्त या लड़ाई बैटल लड़ी गए आप देखें उनकी किस्मत के अगले कुछ कुछ चंद घंटे में उनकी किस्मत का क्या फैसला होता है तो फिर वो कहते हैं ना फिर उस पर डटे रहे जब कामरान साहब बताइएगा आज की आज एक खिताब किया जनरल कमर जावेद बाजवा ने और हुकूमती इतहात की आपस में मीटिंग हुई समरी मौसूल हो गई कल इसी के ऊपर बात कर रहे थे तो अब क्या लग रहा है ओवरऑल सिचुएशन और जो जनरल कमर जावेद बाजवा का खिताब है उसको किस तरह से देख रहे हैं बिकॉज़ इट वॉज़ स्पीच और इट वॉज एड्रेस बाई एन आउट गोइंग आर्मी चीफ़ तो ये थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड नहीं था पहले कभी इस तरह से किसी आर्मी चीफ ने इस तरह से खिताब किया है और रात वाली आपकी बात मैं थोड़ा सा ऐड करता जो जो आपने कही थी वो उसके बाद ही साहब की खबर आई थी कि जो आपने बताया था कि एक, 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 एक मेल्टिंग और आपका यह ख्याल था कि जो है ना वो प्रवेल करेगी जो आपका रात वाला तबसराज था या प्रडिक्शन थी इट केम टू बी ट्रू जी सर आ, नहीं मेरा वो इतना जैसे आपने कहा क्योंकि इस वक्त चीजें इतनी डेलिकेट हैं तो इसलिए मैंने आपसे कहा था थोड़ा थोड़ा कि थोड़ा मार्जिन छोड़ा था कि अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए आपने खुद कहा कि लोग ट्रोल करते हैं हालांकि मेरे पास वो पक्की इंफॉर्मेशन थी मुझे यही बताया गया था कि जो गवर्नमेंट है उसका मौकफ जो है वो प्रवेल कर गया है और आप देखेंगे कि चीजें जो हैं वो उसी तरह चलेंगी जो गवर्नमेंट चाहेगी लेकिन क्योंकि जो सर। मुझे सर। ये सोर्स से खबर आई थी तो शायद मुझे लगा कि क्योंकि गवर्नमेंट साइड से आई थी तो हो सकता है कि गवर्नमेंट तो यही कहेगी कि मामला ठीक है तो इसलिए मैं थोड़ा कॉशियस ठीक है कैमरा सॉरी बात काट रहा हूँ आप और हमारे जैसे रिपोर्टर्स की जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है हम 600 खबरें भी बड़ी अच्छी सच्ची दे दें और एक खबर हमारी बाउंस हो जाए तो फिर सारी उम्र के लेना आप उसी चीज पे तंग किया जाता होता है कि भाई साहब आपकी फलां खबर तो ठीक नहीं निकली थी सारी उम्र आपको सुनना पड़ता है इसलिए बहुत सारी केयर करने पड़ते हैं रिपोर्टरों का नहीं भैया सर जी, प्लीज। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अब दूसरी जो सवाल किया कि आर्मी चीफ का आज का जो खिताब था डेफिनेटली वो एक अनप्रेसिडेंटेड तो था छह साल बाजवा साहब आर्मी चीफ है और इन छह सालों में बहुत कुछ हुआ जो भी खिताब उन्होंने किया असल में दो तीन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बातें हैं एक तो उन्होंने बड़ा खुल के एतराफ़ किया कि यस आर्मी जो है वैसे तो हम जानते ही हैं लेकिन आर्मी चीफ की तरफ से एतराफ़ करना कि फौज जो है सियासत में अपना किरदार अदा करती रही है लेकिन फरवरी 2021 में ये फैसला कर लिया गया था कि अब फौज सियासत में हिस्सा नहीं लेगी तो ये जब उन्होंने एतराफ़ किया तो मैं कभी सोचता हूँ अब चूँकि वो जा रहे हैं आ, तो एक तरह से इतना बड़ा उन्होंने एतराफ किया तो ये तो आ, आ, मतलब मैं गुस्ताखी अगर नहीं कर रहा तो ये तो आपने अपने औोद की वायलेशन की है तो कल क्या कोई उठ के अगर कोई पटिशन दायर हो जाए कि एक तदीबी कार्रवाई होनी चाहिए कि खुद आ, जो आउट गोइंग आर्मी चीफ है एतराफ कर रहे हैं कि फौज ने सियासत में किरदार अदा किया तो मेरी कुछ जो लोगों से बात हो रही थी तो देव दे आर कि ये चीज हॉन्ट कर सकती है आगे चल के बाजवा साहब को दूसरा जो उन्होंने बात की कॉन्स्पेरेसी के हवाले से कि जी कोई कॉन्स्पेरेसी नहीं थी पाकिस्तान की फौज जो है अगर कोई गैर मुल्की कॉन्स्पेरिसी होगी तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जी वो उसको ना रोकें क्या ही अच्छा होता अगर जनरल बाजवा साहब जब इमरान खान साहब ने सत्ताईस मार्च को वो सो कॉल जो साइफर लहराया था उसके अगले ही रोज आई एस पी आर की तरफ से या उनकी तरफ से एक सिंपल एक बयान आ जाता कि ऐसी कोई चीज नहीं है तो शायद इमरान खान साहब को इतना मौका ना मिलता इतना खेलने का इतने हमारे जो सिफारती ताल्लुका है अमरीका के साथ वो भी तबाह ना होते तो इस लिहाज से आई थिंक ये जो उनकी स्पीच है इसका जो अहम चीज़ है इस वक्त जो इमरान खान साहब पे उन्होंने साफ है कि पुराने साफ जहर स्कोर सेटल करने ने उन्होंने कोशिश की क्योंकि खान साहब तो बात करते थे वो भी इंडरेक्ट बात करते थे आज उन्होंने भी की है आज खान साहब ने एक नई बात की है नया पता फेंक उन्होंने कहा जनाब कि मैं सदर आरफ अवी के साथ हम खेलेंगे ज़रा इस पर वो हर चीज़ मैं ये कह रहा था उनके नजदीक ये सारी स्ट्रेटीज जो होती है ना मुल्क के अंदर वो सारा खेल नहीं होता है आपका क्या ख्याल है वो सदर के साथ मिलकर क्या खेल खेल सकते हैं इस पर आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट पे सर आई थिंक जो खेल है पहले भी बात हो चुकी है कि सदर के पास वैसे तो कोई इख्तियार नहीं है ज्यादा इख्तियार यही है कि वो सबरी रोक सकते हैं कुछ दिन के लिए उससे ज्यादा तो वो कुछ नहीं कर सकते अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि वो क्या कहेंगे क्योंकि साथ उन्होंने ये कहा है कि सदर जो है उनसे जरूर मशावरत करेंगे और उनका फैसला उसमें शामिल होगा मुझे ये लगता है जितना इमरान खान साहब तो को मैं समझता हूँ

के सदर के साथ मिलके इमरान खान साहब कोई इस तरह की कार्रवाई करेगा कामरान के, के... अभी थोड़ी देर पहले मेरा उस पर था कि एक व एक चीज़ कर सकते हैं सदर साहब इसको आप एक्सप्लेन करें कि वो समरी रोक के इनको वापस कर दें कुछ ऑब्जर्वेशन के साथ जनाब क्योंकि उनतीस तरीक को आर्मी चीफ ने रिटायर होना है सीट उनतीस को खाली होने लिहाजा ये जो है ये सताईस तक तो ये रिटायर हो जाएंगे आसिम मुनीर साहब हैं अगर उनका नाम जाता है तो लिहाजा नए सिरे से नई समरी भेजी जाए नई एक सीनार्टी लिस्ट भेजी जाए जो उनतीस के मुकाबले अगर अगर उनतीस की उस पर हो एक, एक उस पर सिनार्टी लिस्ट पे होनी चाहिए और कुछ जर्नल्स को मैंने जो रिटायर थे टीवी पे सुना भी है वो इस तरह की बातें कह भी रहे थे कि असल सिनार्टी जो है वो उनतीस को काउंट होगी सत्ताईस को नहीं होगी ये कर सकते हैं दोबारा भेज सकते हैं समरी उनको आ, मेरा ख्याल है कि ये बहुत फार बेस्ट है बहुत बड़ा ये रेडिकल स्टेप होगा क्योंकि इसमें एक याद रखे बात की मैं जो कल भी बात कर रहा था गवर्नमेंट प्रिवेल कर गई है अगर तो गवर्नमेंट ने जो जीएचक्यू ने समरी भेजी है बाजार से ने अगर तो उसमें जनरल आसिम मुनीर का नाम ना होता और फिर हुकूमत जो है उसके बावजूद उनको आर्मी चीफ तैनात कर देती फिर आपकी बात में वजन था जब जी की तरफ से ये अप्रूव शुदा समरी आई है उसमें आसिम मुनीर का नाम पहले नंबर पर है डोशियर भी शामिल है इसका मतलब है कि इदारा ये खुद एडमिट कर रहा है या ये, ये कह रहा है कि ये जो छह जर्नैल हैं ये अहल हैं आर्मी चीफ बनने की भी और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनने की भी तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की जो पोजीशन है इस वक्त स्ट्रांग है दूसरा अगर वो ये काम करेंगे एक इसमें मौका ये भी है कि हो सकता है कि कल ये फैसला हो जाए गवर्नमेंट के पास ये मौजूद है कि कल ही वो उनको प्रमोट करेंगे एज अ फोर स्टार जनरल और उसके बाद विद इमीडिएट इफेक्ट वो तैनाती भी कर सकते हैं uh, मेरा नहीं ख्याल कि अच्छा, uh, तो आज आज जो उनकी टोन थी एग्रेशन था आर्मी चीफ्स का जो उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से नाम लिए बगैर बड़ी सीरियस बातें की हैं तो उससे तो लग रहा है कि इमरान खान साहब की पसंद को या नापसंद को सामने नहीं रखा जाएगा कि उस पर जी एच क्यू तो बड़ा या जो चीफ है मौजूदा चीफ है उन्होंने तो बड़ा स्ट्रांग वर्ल्डेड मैसेज दिया है उन्होंने कि इमरान खान साहब की मुझे तो नहीं लगता कि वो उनसे थोड़ा सा दब जाएंगे या वो समझेंगे कि खान साहब कह रहे हैं कि ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए तो लिहाजा हम नहीं करते आपकी क्या रेटेंगे सर ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप और मेरा पहले भी ये ख्याल था कि बहुत से हमारे साफी दोस्त जो ज़रा इमरान खान साहब के फैन भी हैं जो हाल ही दिनों में उनसे मुलाकातें करते रहे हैं और है। वो आके बाहर यही बताते थे कि खान साहब तो ये कह रहे हैं कि मेरी बाजवा साहब से अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि सलाश शख्स वो आर्मी चीफ नहीं बनेगा और कोई और बनेगा मैं हमेशा समझता था कि शायद खान साहब इनके जज्बात से खेल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि जो बाजवा साहब और इमरान खान साहब की जो पोजिशन थी जिस जगह पे जाके इनका आपस में इतलाफ हुआ है वो रिकनसाइल हो सकते हैं और आज ठीक तो है, है वो बड़ी बात है ठीक है जी कामरान यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया शार्प क्लोजिंग के लिए कहा जा रहा है इसलिए मैंने आपकी बात को दरमियान में काटा है प्रोग्राम में वक्त देने के लिए शुक्रिया और प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया इजाजत दीजिए अल्लाह